1 अक्टूबर से होंगे आधार इनकम टैक्स व शेयर मार्केट से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव जिन्हें जानना बेहद ही जरूरी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हर महीने की पहली तारीख से कई तरह के बदलाव होते हैं। अक्सर ज़्यादातर बदलाव हर महीने वित्तीय मामलों में देखने को मिलते हैं। ये बदलाव हर आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं, इसलिए इन्हें जानना हर किसी के लिए बेहद ही जरूरी है। 1 अक्टूबर से आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स में कई बड़े बदलाव होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से केंद्रीय बजट 2024 के दौरान ही इसका ऐलान किया था। इसमें सबसे पहला है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। ये अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही प्रभावी हो जाएगा। इस स्कीम से पेंडिंग टैक्स विवाद को सुलझाना आसान हो जाएगा। इसे वर्ष 2020 में पेंडिंग टैक्स अपीलों को निपटाने के लिए पेश किया गया था। इस स्कीम के तहत 22 जुलाई 2024 तक के विवाद सुलझाए जाएंगे। इसमें वे टैक्स पेयर्स आएंगे जिनका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टैक्स, ब्याज, दंड या शुल्क से संबंधित विवाद होगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं आधार कार्ड की। इस बार के बजट में आधार संख्या की जगह आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद किया जाएगा ताकि पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त किया जा सके। इस प्रस्ताव के तहत अब 1 अक्टूबर से कोई भी व्यक्ति पैन के लिए आवेदन पत्र पर आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी को नहीं भर पाएंगे। मालूम हो कि पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र लोगों की जरूरत होती है। बजट के मुताबिक अधिनियम की धारा 139A के तहत 1 जुलाई 2017 से ही प्रभावी है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी की। तो अक्टूबर 2024 से वायदा और विकल्प यानी F&O ट्रेडिंग बढ़ने वाले हैं। साथ ही अब लाभार्थियों के टैक्स योग्य आय के आधार पर शेयर बायबैक से मिले इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। विकल्प बिक्री पर एसटीटी प्रीमियम बढ़कर 0.1% हो जाएगा। फ्लोटिंग टीडीएस रेट्स को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। 1 अक्टूबर 2024 से बॉन्ड पर 10% तक का टीडीएस लगेगा। फ्लोटिंग डेट सेविंग बॉन्ड को नए टीडीएस विनियम में शामिल किया गया है। यदि साल के अंदर मिले राजस्व 10,000 रुपये से कम है तो टीडीएस नहीं कटेंगे। 10,000 रुपये की सीमा पार करने वालों का टीडीएस काटा जाएगा। इसके अलावा टीडीएस रेट्स में भी कमी आई है। 5% की जगह अब टीडीएस की दरें 2% कर दी गई हैं। वहीं ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस की दर 0.1% किया गया है। पहले ये 1% थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।